आचार्य जी प्रणाम। मैं 30 वर्ष का हूँ। एक दशक से ज़्यादा से बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या से जूझ रहा हूँ। ओशो जी द्वारा सुझाई विधियों ने कुछ मदद भी की। परिवार के साथ ही रहता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। आप कोई विधि बताएं, परिवार वाले बहुत परेशान रहते हैं। देखो, मन की और मस्तिष्क की बीमारियाँ अलग अलग होती हैं। मस्तिष्क की जांच मैं उम्मीद करता हूँ तुमने चिकित्सकों से करा ली होगी। अगर मस्तिष्क के तल पर माने भौतिक शरीर के तल पर कोई समस्या निकली है तो उसका इलाज तो भौतिक ही होगा, चाहे दवा हो, इंजेक्शन हो, सर्जरी हो, जो भी हो, उसका इलाज तो भौतिक ही होगा। पर आमतौर पे जो मनोरोग होते हैं उनमें 90-95% जो समस्या होती है वो मस्तिष्क के तल पर नहीं होती है, वो मन के तल पर होती है। मन की समस्या होती है और एलोपैथी मस्तिष्क का इलाज किए जाती है, ये बात ही बड़ी बचकानी होती है। मस्तिष्क एक स्थूल अंग है शरीर का, और मन सूक्ष्म है। मस्तिष्क को तुम छू सकते हो, मन को नहीं छू सकते। मस्तिष्क का तुम ऑपरेशन कर सकते हो, मन का नहीं कर सकते। अधिकांश मनोरोग 20 में से 19, 18 मस्तिष्क के तल पर नहीं होते, वो मानसिक होते हैं, मानसिक मन के तल पर होते हैं। हाँ, तुम मस्तिष्क को कुछ गोलियां वगैरह दे दोगे तो उन रोगों की मस्तिष्क के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति रुक जाएगी या उस अभिव्यक्ति का दमन हो जाएगा, लेकिन रोग मौजूद रहेगा। समझ रहे हो? मन है, मन का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, मन का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। रोग मानसिक है तो जो मानसिक रोग है उसका प्रभाव मस्तिष्क पर दिखाई देता है। अब आप मस्तिष्क को देख रहे हो, मस्तिष्क पर कुछ आप दवाओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सब काम क्या करेंगे? ये ऐसा करेंगे कि मस्तिष्क पर जो प्रभाव हो रहे हैं मानसिक रोग के, ये उन प्रभावों को, उन लक्षणों को दमित कर देंगे। इससे आपका इलाज नहीं हो रहा, ठीक है? तो शरीर में जो कुछ हुआ हो उसके लिए शारीरिक दवाई खा लो, लेकिन मन में जो कुछ हुआ हो उसका तो जो इलाज है वो अध्यात्म ही है। कबीर साहब की साखी है ना, दोहा, कि जिसको विरह का जहर लग गया है उस पर कोई दवाई काम नहीं करती। कहते हैं राम वियोगी ना जिए और जिए तो बाउर होए। ये मनोरोगों की बात कर रहे हैं वो। बाउर माने बावला, बावला माने पागल। कहते हैं राम वियोगी ना जिए और जिए तो बाउर होए। विरह विरंगम मन लगा, मंत्र न लागे कोए, और राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। जितने मनोरोगी हैं उन सब को वास्तव में विरह का ही विष लगा हुआ है, इसीलिए उन पर कोई मंत्र काम नहीं करता। मंत्र न लागे कोए, उन पर कोई मंत्र काम नहीं करता। उनके ज़माने में पहले मंत्र चलते थे, आज के ज़माने में दवाएं चलती हैं। तब मंत्र नहीं काम करते थे, दवाएं नहीं काम करती हैं। जो राम का वियोगी है उसको तो राम ही चाहिए, और राम से नीचे तुम उसको दवा खिलाओगे और ये करोगे, वो करोगे, गोलियां दोगे,
तो वो फिर जिए तो बाउर होए, वो जीता तो रहेगा पर वो बावला सा रहेगा, इधर उधर मुंह फाड़े घूमता रहेगा बावला। ठीक है, तो अध्यात्म में गहरे गहरे और गहरे प्रवेश करिए। मन की एक ही बीमारी है, आत्मा से दूरी, शांति से दूरी, सच्चाई से दूरी। जैसे जैसे आप अपनी हस्ती के तथ्य के निकट पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे हस्ती से दूर रहने पर जो दुख होता है और संताप होता है, जिसका नाम रोग है, वो आपका मिटता जाएगा। ये बात मैं उन सब लोगों से बोलना चाहूँगा जो तमाम इस तरह के रोगों से ग्रसित हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये सब, इन सब के कारण मूलतः आध्यात्मिक हैं। गोलियां ले लेकर के आप इन रोगों के लक्षणों का बस दमन कर देते हैं, रोग कहीं नहीं जाने वाला। रोग का संबंध आपकी हस्ती से है, उस हस्ती के केंद्र को जब तक आप एक सही जगह नहीं देंगे तब तक आपकी हस्ती रुग्ण ही रहेगी। ठीक है।